मंडी जिला पुलिस द्वारा नशे के काले कारोबार के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। ताजा घटनाक्रम में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने केरल के रहने वाले 24 वर्षीय युवक से चरस की बड़ी खेप बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर पुंग में नाकाबंदी के दौरान केरल के रहने वाले एक 24 वर्षीय युवक से 1 किलो 674 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम को सुंदरनगर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया था पुंग में, तो उसमें नाके के दौरान एचआरडीसी की एक बस जो कि मनाली से दिल्ली जा रही थी, उसमें एक युवक जो कि केरल का रहने वाला है जिसका नाम अफसर रहमान मालूम हुआ, उसके पास से 1 किलो 674 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो उसके में इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसमें पर रजिस्टर हो रही है और उसको अरेस्ट कर रही है। सुंदरनगर में पुलिस काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और लगातार इस साल भी नशे के खिलाफ जो मुहिम हमारी थी वो अभी तक कंटिन्यू और आगे भी ऐसी इसी तरह की इसी शिद्दत के साथ काम करते रहे।